सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप जो है फ़ोनपे का यूपीआई पिन भूल गए हैं और आपको जो है यूपीआई पिन पता नहीं है, तो आप किस तरीके से जो है आपको फ़ोनपे का यूपीआई पिन पता करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि जो है अगर आप फ़ोनपे से जो है किसी को पैसा सेंड करते हैं, चाहे मोबाइल नंबर से हो चाहे बैंक अकाउंट नंबर से हो, तो इसके लिए जो है आपको फ़ोनपे का जो है यूपीआई पिन पता होना चाहिए, तभी जो है आप फ़ोनपे से किसी को पैसा आप सेंड कर पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे जो है आपको फ़ोनपे का जो है यूपीआई पिन आपको रिसेट करना है, यानी कि जो है कैसे आपको एक नया यूपीआई पिन बनाना है। तो इसके लिए जो है आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले फ़ोनपे ऐप को जो है ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं माई मनी का ऑप्शन है, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप जितने भी बैंक लिंक किए होंगे फ़ोनपे में यहाँ पर शो कर जाएगा। अगर आप एक बैंक अकाउंट लिंक किए होंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक बैंक अकाउंट यहाँ पर शो कर जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी बैंक अकाउंट हैं यहाँ पर शो कर रहा है। तो जैसे कि यहां पे देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का यहां पे हम यूपीआई पिन रिसेट करेंगे। और मैं आपको यहां पे जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे जो है सभी बैंक में जो है अलग अलग यूपीआई पिन होते हैं, यानी कि जो है कोई कोई बैंक में जो है 4 डिजिट के यूपीआई पिन होते हैं, तो कोई कोई बैंक में जो है यहां पे 6 डिजिट के यूपीआई पिन होते हैं। तो यहां पे जो हम पेटीएम पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन को रिसेट करेंगे। यहां पे देख सकते हैं आपको जो भी बैंक का यूपीआई पिन रिसेट करना है, तो आपको जो है बैंक के बगल में जो यहां पे देख सकते हैं एरो का जो आइकन दिया हुआ है यहां पे जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको रिसेट का ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा, और यहां पे देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है कितने डिजिट का जो है यूपीआई पिन सेट होगा, यहां पे लिखा हुआ है देख सकते हैं 4 डिजिट, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आप जो है दूसरे बैंक का यूपीआई पिन जो है रिसेट कर रहे होंगे तो आपको जो है 6 डिजिट का जो है यूपीआई पिन आपको रिसेट करना पड़ेगा, जैसे कि जो है पंजाब नेशनल बैंक में जो है 6 डिजिट का जो है यूपीआई पिन लगता है, लेकिन यहां पे पेटीएम पेमेंट बैंक में जो है 4 डिजिट का यहां पे लग रहा है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे जो है रिसेट का ऑप्शन है, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहां पर आपको अपने एटीएम कार्ड का जो है लास्ट का जो है 6 डिजिट नंबर यहाँ पर डालना है, जैसे कि देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है वैलिड अप टू जो है एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर आपको डालना है आपके अपने एटीएम कार्ड का। तो यहां पे चलिए हम अपने एटीएम कार्ड का जो है लास्ट का 6 डिजिट एटीएम कार्ड नंबर डाल देते हैं। इसके बाद एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर डाल देते हैं। उसके बाद जो है आपको यहां पे प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। इस पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो यहां पे जो है ओटीपी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पे जो है ऑटोमेटिक जो है ओटीपी ले चुका है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में जो है ऑटोमेटिक ओटीपी नहीं लेता है तो आप जो है मैसेज बॉक्स में जाकर के ओटीपी देख करके जो है यहां पे डाल सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं हमारे मोबाइल में जो है ओटीपी ऑटोमेटिक ले चुका है। इसके बाद यहां पे आता है सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन। तो यहां पे जो है आपको 4 डिजिट का जो है यूपीआई पिन आपको सेट करना है। आप जो है अपने मन से जो है सेट कर सकते हैं, जो भी आपको जो है मतलब अच्छा लगे वो यूपीआई पिन यहां पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे जो है यूपीआई पिन सेट कर देते हैं, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद यहां पे आता है राइट का ऑप्शन, इस पे जो है आपको क्लिक करना है। इस पे जो है राइट पे आप क्लिक कर देंगे तो आपसे जो है फिर से यूपीआई पिन यहां पे मांगा जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं कंफर्म यूपीआई पिन। तो आपको जो है यहां पे कंफर्म यूपीआई पिन आपको डाल देना है। इसके बाद जो है यहां पे आप राइट पे टिक कर देंगे तो आपका जो है सक्सेसफुली यूपीआई पिन जो है रिसेट हो जाएगा, और आपको जो है एक नया यूपीआई पिन आपका सेट हो जाएगा, जो कि आप नए यूपीआई पिन से जो है पैसा सेंड कर पाएंगे फोनपे से, चाहे मोबाइल नंबर से हो चाहे बैंक अकाउंट नंबर से हो। जब आपको यूपीआई पिन मांगेगा तो आप जो है नया यूपीआई पिन डाल करके पैसा किसी को सेंड कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो है आप फोनपे का यूपीआई पिन आप रिसेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।